दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही थी। खेल के पहले दिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी काफी खराब रही थी, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने टीम की पारी को संभाला। खेल के दूसरे दिन टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। राहुल ने दूसरे दिन भी अच्छे फॉर्म को जारी रखा और अपना शानदार शतक पूरा किया। बता दें कि केएल राहुल जब मैदान पर उतरे थे तो टीम इंडिया ने 92 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ छोटी छोटी साझेदारियां कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक शानदार शतक जड़ दिया है। केएल राहुल ने 133 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 4 शानदार छक्के लगाए। हालांकि वो अपनी पारी को शतक के बाद ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके और 101 रन बनाकर नेंद्रे बर्गर की गेंद पर बोल्ड हो गए। इस शतक के साथ ही केएल राहुल ने इससे पहले 2021 सेंचुरियन टेस्ट में भी शतक जड़ा था। वो मैच भी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ही था। इसी के साथ वो लगातार 2 बॉक्सिंग डे टेस्ट में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने यह कारनामा किया था। सचिन तेंदुलकर ने 1998 और 1999 बॉक्सिंग डे टेस्ट में शानदार शतक लगाए थे। हालांकि टीम इंडिया इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। टीम पहली पारी में 245 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। केएल राहुल के अलावा विराट कोहली ने 38 और श्रेयस अय्यर ने 31 रनों का योगदान दिया। शार्दुल ठाकुर ने भी 24 रन का अहम योगदान दिया। वहीं साउथ अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, जबकि नेंद्रे बर्गर ने 3 विकेट और मार्को यानसन गेराल्ड कोर्टेजे को 1-1 विकेट मिला। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिक्टर को लाइक और सब्सक्राइब करें।